स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच सेकंड लेसन ऑफ साइंस एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ एनिमल्स पार्ट 2। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड ब्रीदिंग इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड द टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। सो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो पाए जाते हैं, जैसे जो अर्थ पर रहते हैं या हम कह सकते हैं कि जो फ्लाई करते हों, तो कैसे ब्रीद करते हैं, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि किसी भी एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाते हैं। सो इसके बारे में डिस्कस करूँगी एंड द टॉपिक इज़ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जो मूवमेंट होते हैं या गति जो होते हैं वो कैसे हैं। सो द लाइन इज़ एनिमल्स मूव्स इन सर्च ऑफ फूड। यहाँ दिया गया है कि अगर कोई भी एनिमल्स है तो उसमें जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ये मूव क्यों करते हैं, अपने फूड को सर्च करने के लिए, यानी कि अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, टू रन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड टू लुक फॉर, या आप कह सकते हो कि बिल्ड अ शेल्टर। यानी कि कोई भी एनिमल है अपने फूड को सर्च करने के लिए क्या करता है, वो अपनी बॉडी में मूवमेंट करता है या अपने आप को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जो भी उनके एनिमीज होते हैं, और उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, अपने अंदर क्या करता है, एक शेल्टर बिल्डअप करता है, जिससे वो क्या कर सकता है, किसी भी अदर एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्ब फॉर मूवमेंट, यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिम्ब्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि देयरफॉर दे मूव इन डिफरेंट वेज। इसी तरह देखा जाए कि अगर डिफरेंट टाइप के लिम्ब्स पाए जाते हैं वो, तो उनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मूवमेंट भी पाए जा रहे हैं, और इसी से क्या हो रहा है कि अगर लिम्ब डिफरेंट है तो मूवमेंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स में देखते हैं तो हम लोग मूवमेंट कैसे करते हैं, अपने लेग से करते हैं। अगर कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमको मूव करना है तो विद द हेल्प ऑफ लेग्स, ठीक है। इसी तरह अगर बर्ड्स को करना है तो बर्ड्स क्या करते हैं, अगर मूव करना है तो वो अपने विंग्स को यूज़ करते हैं, और जो भी अदर एनिमल्स है जैसे लायंस वगैरह है तो वो अपने हाइंड लिम्ब या फोर लिम्ब दोनों का यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे एनिमल्स हैं जो डिफरेंट टाइप का मूवमेंट उसमें पाया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि मैमल्स हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब्स। जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि दो पेयर लिम्ब्स पाए जाते हैं, द टू लिम्ब्स इन फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्ब्स। अब यहाँ दिया गया है कि अगर दो पेयर लिम्ब्स पाए जाते हैं तो जो फ्रंट यानी कि जो आगे के लिम्ब्स होते हैं उनको हम फोर लिम्ब्स कहते हैं, और जो पीछे के होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बैक साइड पर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब्स, ठीक है। इस तरह करके दो लिम्ब्स हो गए। जैसे कि इस एनिमल में अगर पिक्चर में हम देख रहे हैं तो ये क्या है, फ्रंट साइड के लिम्ब्स हैं, तो इसको हम फोर लिम्ब्स बोलते हैं, ठीक है, फोर लिम्ब्स। और ये क्या है, बैक साइड के, तो इसको हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब्स, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लिम्ब्स आर कॉल्ड लेग्स, और इसी लिम्ब्स को भी हम लेग के भी नाम से जानते हैं, व्हेन यूज्ड फॉर वॉकिंग और रनिंग। और इस लिम्ब्स को या लेग्स को वॉकिंग या रनिंग में यूज़ किया जाता है। मेन एंड सम एप्स यूज ओनली हाइंड लिम्ब्स टू वॉक और रन। अभी हमने बताया कि जो मेन होते हैं और कुछ ऐप्स जो होते हैं वो हाइंड लिम्ब को सिर्फ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए या रन करने के। रेस्ट ऑफ मैमल्स यूज़ ऑल द फोर लिम्ब्स टू मूव, और बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फोर लिम्ब्स यानी हाइंड लिम्ब्स प्लस फोर लिम्ब्स दोनों को यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट्स में। जैसे कि ये क्या है कि अगर कोई आपका, जैसे यहाँ फिगर जो दिया गया है चीता का है, इसी तरह लायन है, तो ये सब क्या करते हैं, अपने हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों को मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो दिया गया है कि कंगारू मूव्स ओनली बाय जंपिंग और हॉपिंग। यहाँ दिया गया है कि जो कंगारूज होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट किससे करते हैं, जंपिंग से, यानी जंप करके या हॉप करके क्या करते हैं, वो मूवमेंट उनमें होता है। उसी तरह हो गया कि जैसे कि मान लीजिए हमने एनिमल्स की बात की, अब नेक्स्ट आपका जो दिया गया रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं कि जो मान लीजिए कि क्रीप करने का जैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए लिजार्ड है, तो ऐसे तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, यानी क्रावलिंग करते हैं, रेंगने का काम करते हैं। तो ये कैसे मूवमेंट करते हैं या इनकी बॉडी में कैसे मूवमेंट होता है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। दिया गया है कि रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड,
टर्टिल, क्रोकोडाइल, इनमें क्या होता है कि छोटे छोटे लिम्स पाए जाते हैं, सॉल्ट लिम्स पाए जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। जैसे कि स्नेक वगैरह में क्या है कि स्नेक में क्रॉलिंग मूवमेंट होता है और इनमें जो लिम्स पाए जाते हैं हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिजार्ड में क्या होता है छोटे छोटे लिम्स ऐसे पाए जा रहे हैं। इसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दे कैन ओनली क्रॉलिंग विथ दीज सॉल्ट लिम्स, ये क्या करते हैं इसी सॉल्ट लिम्स के हेल्प से क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं। क्रॉलिंग मीन्स होता है रेंगना, ठीक है, जैसे स्नेक के अंदर मूवमेंट जो होता है इसको हम क्रॉलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्नेक हैव नो लेग्स। अब स्नेक के पास क्या होता है, लेग्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि इसमें जो लेग्स होते हैं इतने सॉल्ट में होते हैं कि हमें विजुलाइज नहीं होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेजिबल मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज, यानी कि स्नेक के पास क्या होता है कि जो उनकी बॉडीज होती है, यानी कि जो ये स्नेक है इनके अंडर साइड पर यानी कि इंटरनल लेयर पर क्या होता है कि एक स्केल्स या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं। पॉइंट आपका जो दिया गया है कि दीज प्लेट्स आर अटैच टू देयर रिब्स, और ये जो प्लेट्स पाए जाते हैं जो अंडर साइड पर बॉडीज के पाए जाता है, तो ये प्लेट्स जो होते हैं वो रिब्स से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। रिब्स आर फोर लेग्स, रिब्स जो होते हैं रिब्स आर फॉर लेग्स एंड प्लेट्स फॉर फिट। यहाँ जो होता है कि जो स्नेक है, स्नेक में जो रिब्स पाए जाते हैं ये लेग्स के लिए होता है और जो प्लेट्स पाए जाते हैं वो फिट के लिए होता है। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रांग मसल्स, फ्लेक्सिबल बैकबोन, रिब्स एंड प्लेट्स, यानी कि जो स्नेक में मूवमेंट हो रहा है वो किसके हेल्प से हो जा रहा है, जैसे क्रॉलिंग अगर हो रहा है तो किस हेल्प से, कि उनके अंदर उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है एक स्ट्रांग टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, उनका जो बैकबोन होता है यानी कि जो उनके बैकबोन होते हैं, जैसे ह्यूमंस में आप लोग देखते हो जो बैकबोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं वर्टिपल कॉलम कहते हैं या आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, तो उसी तरह स्नेक में जो बैकबोन होता है वो क्या होता है बिल्कुल फ्लैक्सिबल होता है। फ्लैक्सिबल मतलब क्या है कि वो ईजिली क्या होता है मूव कर जाता है, जिसको हम फ्लैक्सिबल बोलते हैं, ठीक है। और रिब्स पाए जाते हैं और प्लेट्स पाए जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो पाई जा रही हैं ये किस में हेल्प करता है, स्नेक को क्रॉलिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। सो इसके हेल्प से स्नेक क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव कर जाता है। सो इस तरह करके आपको रेप्टाइल्स में हो गया। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है कि बर्ड्स, अब बर्ड्स क्या हैं कि अगर बर्ड्स की बात करें तो वो विद द हेल्प ऑफ विंग्स बर्ड्स आर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। लाइन देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स, फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि जितने भी हमने मैबल्स की बात की है या एनिमल्स की बात की है, तो इनमें जनरली क्या होते हैं, टू पेयर लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक आपका होता है फोर लिम्स एंड सेकेंड वन इज हाइंड लिम्स। तो यहाँ बर्ड्स में जो फोर लिम्स होते हैं ये मॉडिफाइड किस में हो जाते हैं, विंग्स में हो जाते हैं, यानी कि उनके जो विंग्स होते हैं उसमें मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द विंग्स हैव फीदर्स, और इसी विंग्स के पास क्या पाया जाता है, फीदर्स पाए जाते हैं। द विंग्स आर अटैच टू ब्रेस्ट बोन एंड मसल्स, और जो ये विंग्स होते हैं ये ब्रेस्ट बोन और मसल से, ठीक है, अटैच्ड होते हैं। ब्रेस्ट बोन का मतलब जो चेस्ट बोन है आगे का, जैसे को होता है चेस्ट बोन, उससे वो क्या होते हैं, विंग्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प देम टू फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लाई, और जो भी बर्ड्स वगैरह हैं तो उनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होते हैं विंग्स को क्या करते हैं, फ्लैप करने में हेल्प करते हैं, जिससे वो क्या करे, फ्लाई कर जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई बर्ड है तो उसमें क्या है, ऐसे विंग्स पाए जाए, लेकिन मसल्स का काम क्या है कि इस विंग्स को फ्लैप करता है, और इस फ्लैप करने की वजह से क्या होता है कि कोई भी बर्ड उसे अपने आप को क्या करता है, फ्लाई करने लगता है, यानी कि उड़ने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हॉलो बोन्स मेक देयर बॉडी लाइट टू राइज इन देयर एयर एंड फ्लाई। यहाँ दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि बर्ड्स में जो भी बोन्स पाए जाते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें तो जो बोन्स होते हैं वो हॉलो नहीं होते, हॉलो का मतलब खोखला नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि ह्यूमंस की बॉडी में या अदर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके बोन्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, यानी कि उसमें मैरो पाए जाते हैं, यानी कि बोन के अंदर अगर मान लो कि ये बोन है तो बोन में क्या होता है, जस्ट लाइक ऐसा ही तो बोन है, और इसमें क्या होता है, लिक्विड मटेरियल फिल होता है। तो ये जो बोन हो गया ये हॉलो नहीं हुआ, सॉलिड टाइप का हो गया, जो ह्यूमंस में अदर एनिमल्स में पाया जाता है। लेकिन हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स बोन्स आर हॉलो, ठीक है। बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपका कुछ फील नहीं होगा इन केस ऑफ बर्ड्स। इस वजह से इनका जो बोन होता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, लाइट वेटेड होता है, यानी हल्का होता है, और इसी वजह से बर्ड्स क्या करते हैं, एयर में फ्लाई कर जाते हैं, ठीक है। ये रीज़न आपको मिला कि बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं, तो
तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिल गया है कि फ्लाइंग बर्ड या वॉकिंग बर्ड या फ्लाइंग बैट। तो किसके हेल्प से ये कर रहे हैं? विंग्स के हेल्प से। और ये विंग्स क्या होता है, मॉडिफाइड कैसे हो जाएगा? फोर लिम के मॉडिफिकेशन से विंग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट मिला है कि बैट इज अ मैमल बट इट कांट वॉक ऑन लिम्ब्स, यानी कि बैट जो होता है एक तरह का क्या है, मैमल है, लेकिन ये वॉक या लिम्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि मैमल्स की क्वालिटी क्या है कि वो वॉक करता है अपने लिम्ब के हेल्प से। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं बैट का, तो बैट क्या है, एक बर्ड की कैटेगरी में आता है और ये क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास विंग्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि इट्स विंग्स आर मेड अप ऑफ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन। जो बैट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि एक थिन मेम्ब्रेन पाया जाता है जो स्किन से बना होता है, और यही क्या होते हैं, विंग में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि दिस मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स फ्रॉम आर्म्स टू हैंड एंड लॉन्ग फिंगर्स, और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो आर्म टू हैंड एंड लॉन्ग फिंगर तक एक्सपेंड कर दिए जाते हैं, जिसके हेल्प से जो बर्ड बैट होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह करके हमने आपको बर्ड्स के बारे में बताया। अब इसी में कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, यानी कि उनके पास विंग्स तो है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे भी बर्ड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए पेंगुइन है, कीवी है, ये सब बर्ड्स जो होते हैं बर्ड्स की कैटेगरी में तो रखा जाता है लेकिन ये फ्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें से क्या होते हैं, फ्लाई नहीं कर पाते हैं। विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर टू वीक टू फ्लाई, ठीक है। ऑस्ट्रिच, ईमोरिया एंड कीवी आर फ्लाइटलेस बर्ड। यहाँ से आपको लर्न करना है कि जैसे कि आप जानते हो कि जितने भी बर्ड्स हैं ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। नेक्स्ट आपको जो दिया गया है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो आपके नेम आएंगे कि ऑस्ट्रिच है, ईमू है, रिया है या कीवी, ये सब जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइटलेस होते हैं, यानी कि ये फ्लाई नहीं कर पाते हैं। ऑस्ट्रिच कैन रन फास्ट ऑन इट्स हिंड लिम्ब, और जो ऑस्ट्रिच बर्ड है ये क्या करता है, अपने हिंड लिम्ब के हेल्प से बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, रन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि पेंगुइन ऑल्सो कांट फ्लाई, पेंगुइन जो होता है ये भी फ्लाई नहीं कर सकता है। फोर लिम्ब्स, फोर लिम्ब्स क्या है, ये शॉर्ट विंग्स का मॉडिफिकेशन ऑफ द पेंगुइन आर यूज्ड एज फ्लिपर्स टू स्विम फास्ट। अब यहाँ दिया गया है कि जो पेंगुइन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही फास्ट स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्ब्स, यानी कि जो आगे के उनके लिम्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लिपर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे कि पेंगुइन अगर देखे होगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, यहाँ पे छोटे छोटे उसके लेग्स होते हैं और यहाँ पर उसके फ्लिपर्स लगे थे, और इसी फ्लिपर्स की हेल्प से वो क्या करता है कि रिवर में या हम सीज में देखते हैं कि वो बहुत ही फास्ट क्या करता है, स्विम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि डक्स स्विम ऑन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर वेब्ड फीट ऑन हैंड लिम्ब्स। जैसे डक भी क्या है, एक तरह का बर्ड है, ये भी क्या करता है, वाटर पर स्विम करता है, और उनके हैंड लिम्ब्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, वाटर पर स्विम करता है। सो नेक्स्ट आपका दिया गया है कि टर्टिल, टर्टिल का मतलब क्या है, कछुआ जो आप लोग देखते हो, टर्टिल है पैडल लाइक लिम्ब्स टू स्विम ऑन वाटर। सी टर्टिल कैन स्विम ऑल डे एज फास्ट एज एन एथलेट रन्स। उसी तरह जो सी टर्टिल होते हैं, यानी कि जो समुद्र में पाए जाते हैं टर्टिल, ये क्या करते हैं, पूरे दिन बहुत ही फास्ट एक एथलेट की तरह क्या करते हैं, रन करते हैं, स्विम करते हैं। फ्रॉग्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम। उसी तरह देखा जाए कि अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग भी क्या करता है, अपने वेब्ड फीट को यूज करके स्विम करता है, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग बर्ड्स का पढ़ चुके हैं कि कौन से बर्ड्स जो होते हैं वो स्विम करते हैं, कौन से बर्ड फ्लाइटलेस होते हैं, कौन से बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे बर्ड्स के पास विंग्स तो होते हैं लेकिन सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते हैं, और इसका रीज़न भी हमने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया फिशेस का। अब यहाँ फिशेस का है कि जो फिशेस पाई जाती हैं उनमें मूवमेंट कैसे होता है, उनमें कौन सा ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, स्विम करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। याद आ गया है आपका कि फिशेस यूज फिन्स टू स्विम इन वाटर। फिशेस क्या करते हैं, वाटर में स्विम करने के लिए अपने फिन्स यूज करते हैं, ठीक है। फिन्स दे हैव थ्री टाइप ऑफ फिन्स। फिशेज में तीन तरह के क्या पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं। द पेयर फिन्स हेल्प देम टू मूव
फॉरवर्ड, ठीक है, जो पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द अनपेयर्ड फिन्स मेंटेन देयर बैलेंस, जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एंड द टेल फिन्स इज यूज टू चेंज डायरेक्शन, और जो टेल फिन होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते हैं, यानी कि किस डायरेक्शन में उन्हें मूव करना है वो टेल फिन उसमें हेल्प करता है। तो इस तरह करके आपको फिन्स में क्या हो गया कि वाटर में स्विम करने के लिए उनको फिन्स क्या करता है, हेल्प करता है। और फिन्स थ्री टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज पेयर्ड, सेकेंड वन इज अनपेयर्ड एंड थर्ड वन इज टेल फिन्स। इस तरह करके आपको लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर फिशेस की बात हो गई तो हमें इंसेक्ट का देखना है। जैसे कि इंसेक्ट लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ब्रीदिंग प्रोसेस है तो इंसेक्ट क्या करता है, ब्रीदिंग के लिए स्पैरिकल्स का यूज़ करता है। तो उसके बॉडी में क्या होता है, एक अलग ही ऑर्गन्स पाए जाते हैं ब्रीदिंग के लिए। उसी तरह इंसेक्ट की भी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी में मूवमेंट के लिए। सो इसके बारे में पढ़ेंगे। दिया गया है कि इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, जो लेग्स पाए जाते हैं वो थ्री पेयर्स होते हैं, ठीक है, तीन पेयर्स पाए जाते हैं। मेनी ऑफ देम हैव वन और टू पेयर्स ऑफ विंग ऑल्सो, और उसी में से कुछ क्या होते हैं कि वन या टू पेयर्स उसमें विंग्स भी पाए जाते हैं। दे आर विंग्स आर मेड ऑफ थिन स्केल्स, और इनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही पतले स्केल से बने होते हैं। विंगलेस इंसेक्ट क्रॉल ऑन देयर लेग्स, और जो विंगलेस इंसेक्ट होते हैं वो अपने लेग के हेल्प से क्रॉलिंग करते हैं। यानी क्रॉलिंग का मतलब, अभी हमने रेप्टाइल के केस में बताया आपको, जैसे स्नेक में क्रॉलिंग जो होता है उसी की तरह क्या होता है, जो विंगलेस इंसेक्ट होते हैं वो अपने लेग के हेल्प से क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जैसा दिया गया है आपको। नेक्स्ट है आपका कि एंट्स कॉकरोचेस बेड बग्स क्रॉल देयर क्रॉल विथ देयर लेग्स। जैसे इंसेक्ट में क्या हो गया कि जैसे आपका दिया गया है एंट्स कॉकरोच, ये क्या करते हैं, अपने लेग की हेल्प से क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट ग्रास ओपर लोकस्ट एंड फ्लीस यूज देयर स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स फॉर हॉपिंग, ठीक है, ग्रास ओपर लोकस्ट जो हैं ये सब अपने स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स से क्या करते हैं, हॉपिंग के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई हाउस फ्लाइज हनी बी एंड मॉस्किटोज फ्लाई विथ देयर विंग्स, और इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं अपने विंग से हेल्प से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। द विंग ऑफ इंसेक्ट आर मूव्ड बाई मसल्स इनसाइड देयर थोरेक्स, ठीक है, यहाँ दिया गया है आपका कि जो भी इंसेक्ट हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मसल्स इनसाइड देयर थोरेक्स, यानी कि जो थोरेक्स रीजन होता है। जैसे कि कोई भी अगर इंसेक्ट है, सपोज कि ये थोरेक्स और ये हेड रीजन है, और आपका लास्ट आपका जो दिया गया है ये टेल रीजन है, ये थोरेक्स पार्ट में क्या होता है, कुछ मसल्स पाए जाते हैं, और इस मसल्स की हेल्प से इंसेक्ट क्या करता है, मूव कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पॉइंट्स हो गए कि कौन कौन से इंसेक्ट हैं। अगर वाटर इंसेक्ट की बात करते हैं जो वाटर में रहते हैं, तो लाइक वाटर बोटमैन स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी वाटर इंसेक्ट होते हैं वो अपने लेग के हेल्प से क्या करते हैं, वाटर में स्विम कर जाते हैं। अब आपको पॉइंट दिया गया है कि अगर अर्थवॉर्म है या अदर टाइप के जो भी रेप्टाइल्स वगैरह हैं वो सब क्या है, उनके पास कोई भी अगर मूवमेंट की बात करें तो कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं कि वो कैसे मूव करें। जैसे कि अर्थवॉर्म में आप देखते हो कि उनके पास कोई लेग्स वगैरह नहीं है, कोई अदर ऑर्गन्स नहीं होते फॉर द मूवमेंट, तो इनके बॉडी में क्या होता है कि कुछ कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी अपनी बॉडी को क्या करते हैं, एक बार छोटा करते हैं एक बार फिर रिलैक्स मोड में यानी बड़ा कर लेते हैं। तो इस मूवमेंट से क्या करते हैं कि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव कर जाते हैं, ठीक है, दिया गया है यहाँ पर, देखो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थवर्म हैज़ नो ऑर्गन फॉर मूवमेंट, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड इट्स सेगमेंट टू क्रॉल, ठीक है, अर्थवर्म के पास कोई भी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं फॉर द मूवमेंट, ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इट्स सेगमेंट टू क्रॉल। नेक्स्ट वन इज की ह्यूमंस यूज देयर हाइंड लिम्स एज लोअर लिम्स और लेग्स, देयर लेग्स सपोर्ट देम टू स्टैंड इरेक्ट। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताया जा रहा है, जैसे अर्थवर्म में आपने जाना है कि वहाँ पे कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते मूवमेंट के लिए, ये अपनी बॉडी को
क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर देता है, जिससे उनके अंदर क्रॉलिंग मूवमेंट होता है, और इस क्रॉलिंग मूवमेंट से क्या करता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर मूव कर जाता है। लेकिन वहीं पर अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, अब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने हाइंड लिम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ लेग। और ये लेग क्या करता है, उन्हें स्टैंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टैंड इरेक्ट करने में, यानी कि वो क्या करते हैं कि बिल्कुल इरेक्ट स्टैंड हो सकते हैं, यानी कि खड़े रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग्स। और इसी लेग्स के हेल्प से वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, या जंप भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर लिम्ब को क्या करते हैं, यानी कि फोर लिम्ब को एज अ अपर लिम्ब, जिसको आप हैंड कहते हो या आर्म कहते हो, तो इसके हेल्प से वो क्या करते हैं, वो अदर फंक्शंस, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को होल्ड करना, या डिफरेंट टाइप के वर्क जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ फोर लिम से वो कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इसकी मंकी, एप्स एंड चिंपैंजी, गोरिला, और ऑल्सो अपोजिट थम्स एंड फिंगर्स, दीज हेल्प टू देम टू ग्रीप अ ब्रांच होल्डिंग एंड वर्किंग विद थिंग्स। उसी तरह अगर बात की जाए जैसे कि मंकी है, एप्स है, या चिंपैंजी वगैरह है, तो ये भी क्या करते हैं कि जो उनके हैंड लिम्स होते हैं और फोर लिम्स, उनका भी यूज़ क्या करते हैं, वो मोमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन जो उनके फोर लिम्स हैं वो किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, किसी भी थिंग्स को, जैसे ब्रांचेज हैं या किसी भी थिंग्स को होल्ड करने के लिए वो क्या होते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। बट देयर हाइंड लिम्स डू नॉट हेल्प देम वॉक इरेक्ट, लेकिन जो भी मंकीज़ वगैरह हैं उनके जो हाइंड लिम्स पाए जाते हैं वो उनको इरेक्ट करने में, यानी कि स्टैंडली वो क्या करते हैं, खड़े नहीं रह सकते, उसमें हेल्प नहीं करते। जैसे कि आप लोग मंकी को देखे होंगे या एप्स को देखे होंगे, वो क्या होता है कि बिल्कुल इरेक्ट वो खड़े स्टैंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उसमें वो हेल्प नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। बट दे कैन ग्रीप द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज विद देयर हाइंड लिम्स, लेकिन वो हाइंड लिम्स के हेल्प से क्या करते हैं, ब्रांचेज को ग्रीप कर सकते हैं, यानी पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया कि किसी भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसे होता है, कैसे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।